डाउनलोड लोड करने के बाद सेलर लॉग इन करके सेलर जोन में जाइए वहाँ क्रिएट न्यू ऑर्डर होगा सबसे ऊपर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग प्रोडक्ट आप इसमें ऐड भी कर सकते हो उसके बाद की को डिलीवरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है पेमेंट टाइप कीको पेमेंट आपको जितने समय में चाहिए कि आपका कस्टमर पेमेंट करे उसके हिसाब से टाइम सेलेक्ट कीजिए कस्टमर का फोन नंबर एंटर कीजिए और कस्टमर का नाम ये डिटेल्स डालने के बाद आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं ऑर्डर जैसे ही सक्सेसफुली क्रिएट होता है आपके कस्टमर को एक एस जाएगी उस एस में एक लिंक होगी उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपके कस्टमर को अपना डिलीवरी एड्रेस सेट करना पड़ेगा आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो अगर कोई स्पेसिफ़िकेशंस है लैंडमार्क है तो वो उसके नेक्स्ट पेज में डाल सकते हैं एड्रेस सेव करके फिर से एक बार ऑर्डर चेक करके ही कैन गो अहेड एंड मेक पेमेंट्स पेमेंट हो जाने के बाद आप जब भी आपके स्टोर ऑर्डर्स में देखोगे तो आपको जो पेंडिंग स्टेटस थी वो आपको दिखेगी कि पेड हो गई है अब जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी होता है आप रेडी टू पिकअप पिकअप नाउ बटन पे आप क्लिक कर सकते हो तो आपने अभी सक्सेसफुली आपका जो ऑर्डर स्टेटस है वो आपने अपडेट कर लिया है ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए डिलीवरी बंदे का नाम और फोन नंबर इस पेज पे डिस्प्ले होगा आप आसानी से उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आपका ऑर्डर लेके जाएगा और ऑर्डर सेफली अपने कस्टमर के पास पहुंचा देगा थैंक यू